हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में राजपुरोहित समाज की 145 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। बाड़मेर के राजपुरोहित छात्रावास में समाज की प्रतिभाओं के सम्मान के लिए वार्षिकोत्सव 2018 समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महंत निर्मल दास महाराज, वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम महाराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मनोहर सिंह बावली कला, डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ कान सिंह बिस्सू खुर्द, बाबू सिंह जैतपुर, शैतान सिंह खैरवा और इंद्र सिंह गरवा अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। महंत निर्मल दास ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि छात्रावास को बनाने में पूर्वजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन्हें हमेशा याद रखा जाना चाहिए। वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम ने संस्कारित जीवन अपनाने पर बल दिया, वेदों उपनिषदों का ज्ञान कराया। मुख्य अतिथि के रूप में बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह ने विद्यार्थियों को स्व अनुशासन पर बल देने के साथ एकाग्रचित होकर पढ़ने की सीख दी। अध्यक्षीय उद्बोधन में कान सिंह ने शिक्षा के साथ समुदाय के आगे बढ़ने का संदेश दिया। बाबू सिंह ने समाज को एक लक्ष्य तय करके आगे बढ़ने का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य इंद्र सिंह नीमली ने बताया कि माता पिता व गुरु की सेवा तथा शिक्षा के प्रति जागरूक रहकर समाज को प्रगतिशील बनाया जा सकता है। कार्यक्रम को राम सिंह बोथिया, शंकर सिंह आसोत्रा, नाथू सिंह लखा ने भी संबोधित किया। सदन की ओर से स्वर्गीय श्रवण सिंह एल बालेरा को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मण सिंह बालेरा ने बताया कि कार्यक्रम में समाज की 145 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान हेम सिंह महाबा, किशोर सिंह बालेरा, पोकर सिंह बिस्सू, खुशाल सिंह लंगेरा, बेरावर सिंह बालेरा, भैरू सिंह गढ़वा उपस्थित रहे। छात्रावास विकास समिति के सचिव खुमान सिंह ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में छात्रावास विकास समिति के अध्यक्ष मोहन सिंह महाबार द्वारा आभार व्यक्त किया गया। राजेंद्र सिंह चावंडा द्वारा रोडवेज बस में यात्रा करने वालों के लिए पास बनाने के लिए चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन अशोक सिंह मकवाना गरवा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भीत सिंह बालेरा, गेमर सिंह फोगेरा, डॉक्टर रणवीर सिंह लखा, भवर सिंह गिरा, झुंझार सिंह बालेरा का भी सहयोग रहा। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।